एवरीवन, गुड मॉर्निंग. मैं एक चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ आज ये कि बहुत सारे लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है, लेकिन ओनली गाली देने के लिए सब्सक्राइब कर रखा है. और इन लोगों को लग रहा है कि हम गाली खाने के लिए यहीं बैठे हैं, मतलब गाली खाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं. और लोग ये सोच के बैठे हैं कि हम में तो खून है ही नहीं, हमारे में तो मतलब खून पूरा सूख चुका है, हम तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे टू सर्टेन एक्सटेंट. एक लड़की है अंकिता चावन करके, वो मेरे को हर वीडियो में आके मैक्सिमम जो है नेगेटिव कमेंट्स करती है. आई टेक इट फॉर ग्रांटेड, फिर भी मैं उसको एक हार्ट देती हूँ. मैं हर किसी को हार्ट देती हूँ जो नेगेटिव कमेंट करता है, उसको तो बिना भूले पक्का हार्ट देती हूँ कि भैया तुम कितने भी बुरे बनते रहो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कोई गिले शिकवे नहीं है टाइप, तुम कुछ भी करते रहो करके. लेकिन जब आती है बात मेरे काम पर, मतलब यूट्यूब पर, तो ये लड़की अंकिता चावन बोलती है, मैं उसका स्क्रीनशॉट डालूंगी आपके लिए कि वो क्या लिख रही है. वो कहती है कि वो डॉक्टर है, मतलब जो मैंने वीडियो डाला था, वैसे तो हर वीडियो पे आके नेगेटिव कमेंट करती है. एंड देन शी इज़ टेलिंग कि आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ सोशल वर्कर, ये वो करके बोल रही है. जो एक सोशल वर्कर होता है या डॉक्टर होता है, दे कैन नॉट, यू नो, व्हेन दे आर डीलिंग विद सो मेनी पीपल, दे कैन नॉट बिहेव रूड और दे कैन नॉट यूज़ यू नो वल्गर लैंग्वेजेस, है ना, है कि नहीं? आप लोग मुझसे एग्री करते हैं कि नहीं? और वो मुझको आके मैसेज कर रही है वहाँ पे, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मुझे वो भी डाउट लग रहा है. FKU करके वो मेरे को मैसेज कर रही है. और उसके बाद बोल रही है कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तू आ जा यहाँ पे, तेरे को मैं सर्टिफिकेट दिखा दूँगी. और ज़्यादा बोलेगी ना, मतलब मैं उसको फिर भी अच्छे से ही रिप्लाई कर रही हूँ कि तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है वो तुम्हारे कमेंट्स के थ्रू मुझे दिख ही रही है, मुझे तुम्हारे बारे में, तुम कौन हो क्या हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. अगर तुम डॉक्टर भी हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो वो मतलब इतना खुंदस में आ रही थी कि उसका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और वो मतलब मुझको मैसेज पे मैसेज कर रही है. मेरे को गुस्सा इस बात का आया कि उसने बोला कि तुम मुंबई आ, मैं तेरे को दिखाऊंगी. जिसमें दम होता है ना माय डियर अंकिता चावन, जिसमें दम होता है ना, वो बोलता नहीं है कि तू यहाँ पे आ मैं तेरा देख लूँगी, मैं तू वहाँ पे आ मैं तेरा देख लूँगी. सामने मिलोगे ना तो दो दो हाथ वहीं पे हो जाएंगे, ठीक है? और तुम जैसे लोग जो ऐसे बदतमीज से बात करते हैं, अगर तुम रोड पे ऐसे बात करो, रोज़ मार खाओगे, किसी की चप्पलें रोज़ पड़ेगी, ठीक है? तो या तो तुम अपनी लैंग्वेज सीख लो, अगर इतना ही ज़्यादा दम है तुम यहाँ पे विजयवाड़ा आ जाओ, ठीक है? और मुझे यहाँ पे विजयवाड़ा आने के बाद मुझे फ़ोन करो, ठीक है? फिर भी मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रिसीव करूँगी. फिर भी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दो दो हाथ ले लूँगी. अगर तुम अचानक से मिल गई और उसके बाद कुछ तुमने आड़ी तड़ी बात कर दी, तब तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है? जब मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ, मतलब इनवाइट इन द सेंस, अगर तुम बोल रही हो कि मुंबई आ जा तेरी तो देख लूँगी मैं, ज़्यादा ये करेगी ना तो तेरा चैनल बंद कराऊंगी. हु द हेल आर यू? चैनल बंद कराने कौन है तू? चैनल बंद करे किस किसके बंद करेगा? मतलब हर एक के वीडियो में जाके तू जाके नीचे नेगेटिव कमेंट करती रहेगी और वो तेरे को रिस्पॉन्ड करेंगे और तू सबका चैनल बंद करेगा. मतलब यूट्यूब का ठेका तो तूने ले रखा है, हद होती किसी चीज़ की, ठीक है? तो अगर किसी ने बोला ना यूट्यूब किसी का बंद करा दूंगी, उनकी तो ना बैंड बजा देनी है. कुछ भी बोल लो सह लेंगे, तब तक सोचो कि खून सूख गया है या है ही नहीं. लेकिन काम के बाद कितनी मेहनत लगती है यूट्यूब चैनल बनाने में, उसको चलाने में, हर एक वीडियो को मतलब एडिट करना, एवरीथिंग जो यूट्यूब चलाता है ना, हर उस पर्सन को मालूम है कि क्या है यूट्यूब एक्चुअली. उनसे पूछो जो ऐसे नेगेटिव कमेंट, ओनली नेगेटिव, एक हाथ में फ़ोन ले लिया और चलो यार हमारी ज़िंदगी तो मतलब इसमें हमारी ज़िंदगी की तो झंड मची पड़ी है, इनकी ज़िंदगी में भी ना थोड़ा गंद मचाते हैं करके आ जाते हैं. तो ऐसी जो है वो मत रखना. मैं स्क्रीनशॉट आप लोग के लिए ऐड करूँगी, आप लोग वो देखना. और वो बोल रहे कि आपने सब्सक्राइबर्स की इज्जत करो. आई रेस्पेक्ट माय सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप सब्सक्राइबर्स की वजह से ही मेरा चैनल है. आप लोग नहीं होते तो मैं ग्रो नहीं करती, आप लोग देखते हो इसलिए सब कुछ है. लेकिन यू नो रेस्पेक्ट, मैंने उसको भी वही बोला था कि रेस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है. वो मुझे गाली पे गाली दे रही है कि FKU और बोल रही है कि तुम मुझे रेस्पेक्ट दे दो. क्या मजाक कर रहे हो क्या? तो मैंने यही बोला उसको कि जो रेस्पेक्ट है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, और खैरात में नहीं बिकती है कि तुम मत दो और मैं देती रहूँ, ठीक है? तो पहले जाके रेस्पेक्ट करना सीखो और उसके बाद ऑटोमेटिक मिलेगी. किसी से रेस्पेक्ट मांगने की कभी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ सपोज टू बी अर्न, ठीक है? मांग या मैं मेरी इतनी कोई ये इसमें रहता है कि मेरी एज जितनी है इसको तो मुझे रेस्पेक्ट देना ही देना है. अगर आप एज के हिसाब से
काम ही ऐसे अच्छे नहीं कर रहे हो तो रेस्पेक्ट कहाँ से मिलेगी। मतलब कुछ लोगों की एज इतनी छोटी होती है लेकिन बड़े लोग भी उनको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि दे हैव प्रूव्ड इट दैट दे डिजर्व टू बी रेस्पेक्टेड बाई पीपल, है ना। तो ये जो बेतुकी बातें हैं, जो भी ये बकवास कर रहे हैं ना, बंद कर लो। तुम्हारी जो है इसमें इज्जत और जा रही है और अपनी खिल्ली और मत उड़ाओ, ठीक है। और जो लोग मुझे बोलेंगे अभी इसके बाद आके, आई अंडरस्टैंड कि इग्नोर करो इग्नोर करो, मैं इग्नोर ही करती हूँ। आप लोग को मालूम है मेरा एटीट्यूड कैसा है, मैं इग्नोर ही करती हूँ मैक्सिमम। बट जब व्हेन शी स्पोक दैट सेंटेंस, पहले तो मैंने इतना रिएक्ट नहीं करा, लेकिन यू नो चीज़ें कुछ होती है ना दिमाग में अटक जाती है, तो जो अटक गई है मैंने बोला उस अटके को जो है खोल देते हैं और बोल देते हैं। और इसके बाद अंकिता चावन कुछ बोलना है तो आ जाओ, ठीक है, या अगर फेस टू फेस बात करना है तो वो भी आ जाओ, आई वेलकम यू एट माई होम, ठीक है। तो वही मुझे कहना था। तो जो भी ये आलतू फालतू मैसेज करते रहते हैं चलता है। क्रिटिसिज्म शुड बी टेकन बट नॉट अब्यूजिंग अननेसेसरली। क्रिटिसिज्म से जो है इंसान ग्रो होता है, अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐवें ही कुछ भी मतलब टाइम पास नहीं हो रहा है, आ जाओ गाली दे दो, दो गाली दे दो और चले जाओ। फिर भी आई नेवर रिएक्टेड, बट मेरे काम के, मेरे यूट्यूब के बारे में, यूट्यूब इज माई जान, तो अगर यूट्यूब के बारे में किसी ने कुछ बोला ना, आई विल नॉट लीव देम। तो जो भी मैंने इससे पहले बात की है उसके ऊपर आपका ओपिनियन क्या है मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो आके कुछ भी गाली गलौज कुछ भी कर लें और कुछ भी, अगर मैं कहीं पे गलत हूँ मुझे बताओ यार मैं गलत बोल रही हूँ करके। इफ़ आई एम पुटिंग आउट समथिंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल और कोई भी किसी पे यूट्यूब चैनल पे कुछ बोल रहा है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे ही नहीं कि सो के उठ के कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है, उस चीज़ के पीछे बहुत सारी प्रैक्टिस रहती है। इफ़ आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन मेंस्ट्रुअल कप और एनी सेंसिटिव इशू, आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट लाइक दैट। उसके ऊपर रिसर्च रहती है, सब कुछ रहता है, नोट्स बनाते हैं और उसके बाद की जाती है, और उसको दो बार मैं देखती हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रही हूँ। मतलब इसलिए मैं जब भी कुछ ऐसी बात करती हूँ मैं बोलती हूँ डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू कंसल्ट समथिंग रिलेटेड टू यू नो जो भी हेल्थ रिलेटेड जो भी होता है, डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन। लेकिन फिर भी जो है लोग मानते नहीं है। आपका ओपिनियन है आप रखो, अगर मैं गलत हूँ तो मैं उस चीज़ पर भी रिसर्च करूँगी कि अगर मैंने गलत बोला है आई विल रेक्टिफाई इन माई अनदर वीडियो, मैं उसको भी बताती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे भी बताइएगा कि मैं गलत हूँ करके, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। अगर दूसरा बंदा गलत है तो उसको भी बताइएगा कि वो गलत है करके। और जो लोग मुझे बोलेंगे कि इग्नोर इग्नोर इग्नोर, जो मैं बता रही थी बीच में भूल गई, इग्नोर तो मैं करती हूँ हमेशा। और आप भी सोचना कि आपको ऐसी चीज़ों पर रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं, हमेशा इग्नोरेंस पर नहीं चलता है। आपको कभी गुस्सा आया है कि नहीं, गुस्सा आया है तो रिएक्ट करते हो ना, ऐसे हमेशा गुस्सा आया कंट्रोल 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 करके नहीं रखते ना, समटाइम यू ऑल्सो बस्ट आउट। तो दिस इज ऑल्सो बस्टेड ओनली बिकॉज ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब पे उंगली उठाओगे ना तो हाथ उंगली हाथ पैर सब उठ जाएगा। और शी वॉज टेलिंग वन मोर थिंग दैट यू ब्लडी हाउस वाइफ यू आर टेलिंग अबाउट वेजाइना गेट लॉस्ट करके बोल रही हूँ। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि वाई पीपल हैव टेकन, नॉट ओनली शी, मैनी पीपल हैव टेकन हाउस वाइफ फॉर ग्रांटेड। तो मैं ये बताना चाहती हूँ हाउस वाइफ जितना काम करती है ना उतना काम कोई भी नहीं करता है। अगर एक वर्किंग वूमेन भी है उसको, उनको जो वर्किंग वूमेन होती है उनको तो डबल काम है ही है, घर भी देखना है और बाहर भी देखना है। आई हैड्स ऑफ दोज पीपल दोज हु आर मैनेजिंग बोथ द थिंग्स वेरी वेल। तो हर एक औरत जो है एक दिन हाउसवाइफ पहले बनती है और वर्किंग वूमेन या एंटरप्रेन्योर या जो भी है वो बाद में बनती है। तो हाउ कैन यू डिसरेस्पेक्ट अ वुमेन सेइंग दैट यू ब्लडी हाउसवाइफ। एंड हाउसवाइफ सारी पढ़ी लिखी हैं, हम लोग ने अगर यूट्यूब चैनल खोला है, जो भी लोग हैं अगर यूट्यूब चैनल खोला है एंड वी आर यू नो रनिंग इट सक्सेसफुली, दैट मीन्स दैट देर आर सो मेनी थिंग्स बिहाइंड। ऐसा नहीं है कि वीडियो शूट किया और डायरेक्ट डाल दिया, उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेस होती है, उसके डिस्क्रिप्शन होता है, टाइटल होता है और टैग्स होते हैं, देर आर सो मेनी थिंग्स। जब नहीं मालूम है इसके बीच में पढ़ के पंगा मत लो। सो आई रिक्वेस्ट ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स और जो भी ये वीडियो देख रहा है कि जो लोग ऐसे घटिया कमेंट करते हैं आप लोग उनको रिपोर्ट कीजिए, नॉट ओनली ऑन माई चैनल, किसी का चैनल, जिसका भी चैनल आप देखते हैं जो भी ऐसी वल्गैरिटी फैलाता है उसको आप रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि हमारे बढ़ते हुए देश को ऐसे लोग जो है पीछे खींचते हैं अपनी वल्गैरिटी को बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक वी शुड नॉट सपोर्ट दैट। तो बस अभी इसके बारे में इतने से छोड़ देते हैं और इसके बाद मैं इसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। आई एम कॉन्फिडेंट कि आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखेंगे और मेरा पक्का साथ देंगे और ऐसी कुछ चीज़ें होंगी तो उसको रिपोर्ट पक्का करेंगे।
तो बस मैं इतना ही कहना चाहती थी. तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. मैंने अपना पूरा आई केप्ट माई हार्ट आउट, जो भी मेरी फीलिंग थी. और ऐसी चीज़ों को इनक्रेज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इसके बारे में बता रही थी आपको. और इससे मेरा मूड वूड कुछ ऑफ नहीं हुआ है, बट यू नो आई जस्ट वॉन्टेड टू कन्वे इट. तो बातचीत में थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड चिल चिल चिल.